कितना कैंडो सारे आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अबोहर। अबोहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे मामा जी की रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पार्टी है, फिर उन्होंने घर बनाया है, उसका मुहूर्त है। जो पहले व्लॉग्स में बताया कि जो घर बन रहा था अब उसका मुहूर्त है, सारा फंक्शन उन्होंने इकट्ठा ही कर दिया। 3 दिन का फंक्शन है, इट्स लाइक अ मैरिज। ये एक हिसाब से शादी ही हो गया हुआ है सच बताऊं तो। लेकिन जब भी हम जाते हैं सामान हमें पूरा लेके जाना पड़ता है, ऊपर से एक हिसाब से शादी वाला ही फंक्शन हो गया हुआ है, तो 3-4 जोड़ी तो मेरे को शूज़ लेके जाने पड़ेंगे, अलग ड्रेस के साथ अलग तरह के शूज़। चक्कर ये है, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कौन कौन से लेके जाऊँ। अब हमारे घर में मिर्चें भी लग गई हैं, घर की मिर्चें, घर में ही हम मिर्चों की खेती करते हैं। यहाँ से मिर्चें निकलती हैं, ये देखो एक प्यारी सी मिर्ची देख रही है, देखो कितनी सारी, 1, 2, 3, 4 उधर, कितनी सारी उधर लटकी हुई है, वो देखो। जब हम ज़्यादा लंबे टाइम के लेके जाते हैं तो पीछे से उस घर से आके वो पानी दे देते हैं। और सरी ने मैंने हाई एंकल शूज़, ये शूज़ मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैंने जब सरी ने ये वाले शूज़ लिए थे ना तो मैंने उसको बोला था कि अगर इसमें 7 नंबर है ना तो 7 नंबर दे दे, हम दोनों सेम शूज़ पहना करेंगे, कितना मजा आता है ना। हम इधर मायरू से मिलने आए थे, मायरू सो रही है, इसको तो बाय करना बनता है। इसने आज ऋषि की रील देखी बालों वाली, तेरी स्टाइलो दिखाओ मेरे को, स्टाइलो दिखाओ। इसके बसारे इतने प्यारे बाल इसके काट दिए, गंजीव कर दे इसको, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही थी तो एक लास्ट टाइम इसके बाद निकलेंगे। अंडा बना दिया इसको, अंडा। चोना का भी हमारे साथ जाने का प्लान था और चुन्नू का भी हमारे साथ जाने का प्लान था, दोनों के एग्जाम्स हैं इसलिए वो जा नहीं रहे। ये इसको एक चॉकलेट, जब ये उठेगा तो इसके हाथ में चॉकलेट होगी। हम पहुंच गए हैं हमारी मम्मी के पेक के, यानी कि हमारे नान के घर। पूरा सजाया इन्होंने, ओह माय गॉड, मैं मिल तो ले, मैं कह रही हूं मम्मी के घर आए हैं, आई मम्मी के पेक के पेक रखा माल ये अजासी लाभ दी, गबरू दी गड्डी चौकरासी लाभ दी, चौबर दी ये जिया स्वाद लैन दी, आदते या माली गल मुंह ते कहन दी, $1,00,000 दी राइड रखिया, शौकराना करके लिफ्ट चकिया, इनी नीट गड्डी जी मैं तो पुलिस के, गबरू तो वल्लना दी आख। रात को सरी ने मम्मी के साथ इतना डांस किया, देखो इसको ठंड लग गई सिर पे, ठंड चढ़ गई इसको, रात को बुखार भी चढ़ा इसको। ये देखो पहले तो हमारी पिल्लो फाइट देखो, जो रात को हमारी पिल्लो फाइट हुई है। अब हुआ क्या कि वो आपको पता है कि मेरा ये यहाँ से टिश्यू खिला था पहले, अब रात को इतनी जोर से मैंने घुमा के ना ऐसे बाजू ये सरा, मैं बहुत जोर, मैंने पिल्लो ऐसे करके पड़क करके मारा है ना, उस वक्त मेरे को फिर फील हुआ कि कुछ हुआ। मैं रुका नहीं, मैं मारता गया पर फिर भी, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा दर्द होने शुरू होगी मेरे। आ जाए जी, अगला दिन आ जाए घर में हवन, इस घर का होगा मुहूर्त। एक और चीज हुई है बड़ी सीन, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे से ये सारा बम्पर टूट गया, यहाँ से देखो ये टूट गया, ये टूट गया, यहाँ से भी टूटा है, नहीं यहाँ से कहीं, यहाँ से भी कहीं से टूटा है, ये नंबर प्लेट सारी टेढ़ी होगी, यहाँ से भी ये सारा निकल गया। और अगर यहाँ पे गैप ज़्यादा है और इस तरफ गैप कम है। पहले मैंने सोचा था कि इसको ना बारो बारी सही करवा देना, पापा को पता ही नहीं लगने देना कि चंडीगढ़ में, क्योंकि इंश्योरेंस है तो वह सही हो जाना था, ₹1,000 लगना था, सारा बम्पर नया सब कुछ नया पड़ जाना था, लेकिन फिर मेरे को टाइम नहीं मिला एजेंसी जाने का, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का। वो फिर मैं यहाँ पे जब गाड़ी लेके आ रहा था ना तो मैं सोच रहा था मैं पिताश्री को बताऊँगा नहीं, मैं बस पिताश्री अपने आप देखेंगे, अभी पापा ने देखा, पापा से दिखाना थोड़े, अभी तो मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो पापा ने देख लिया, वो तो मुझे पता ही था। पापा ने पता क्या बोला, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार और मेरे पापा की नज़र से तुम बच नहीं सकते, स्पेशली जब गाड़ी को कुछ हुआ हो तो। ये हो की रहा है दास्ता सी, ओ कड़ा पर ना कर दे प्रवेश कर, अच्छा ग्रह प्रवेश पाड़े गब्बरू दा साक तू कनेडा दी कुड़े नी, ये है जिम्मेवारी मेरी बेबे। ऋषि इतना टेंशन में रहे, इतनी टेंशन में रहे कि पापा को मैं कैसे बताऊंगा मुझे बोर्ड। अरे मैं पापा की सुबह देख ली थी, ऋषि की शक्ल देखने वाली थी तब, ऋषि जब हम पार्टी पे जा रहे थे ऋषि को वहां जाके एंजॉय नहीं किए, इतने डर गए थे। अरे मैंने इधर से वर्स मार के ऐसे मार दी रात को, और अभी भी मैं वर्स मार के ऐसे मारने लगा, पापा ने उधर से देख लिया, व्लॉग व्लॉग जब मम्मी ने पता चल लिया। हां व्लॉग
कुछ नहीं, मम्मी को भी बताया नहीं ना गाड़ी के बारे में। कैसी जी फीलिंग आ रही है? अच्छी, इसी घर में ईशा का बचपन बीता है, है ना, सारा बचपन। चलो बाहर हवन शुरू हो गया है, लेकिन हमारी बीवी के अभी तक बाल स्ट्रेट नहीं हुए हैं। मैं थोड़ा कोल्ड के चक्कर में लेट उठी ना। पूरा आज तो पूरा कहर डाला हुआ मैंने। कितना अच्छा लग रहा है। ये वही कुर्ता है जो हमने वो दिवाली से पहले मंगवाया था, ये वही पहना है। साथ में पूरी बिल्कुल कैंट पंजाबी लोग अपने करें कैरी की है। ओम जतो जता स्वामी हसे ततो नो अवयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो स्वाहा ये हमारे और रविंदर कुमार मिर्जा की तरफ से गीत जो हाँ जी ओके बेटा। पापा जा रहे हैं फिरोजपुर। पापा ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम जाते हैं। आज तो फिर भी एक रात रुक गए, कल आए थे आज जा रहे हैं। ओहो ये देख क्या हो रहा है, अंदर से इनरवेयर बाहर आ रहा है। किसी ने देखा ना हो बस ये, ये मेरी बेइज्जती ना हो जाए। पेट पूजा हमने कर ली है और हवन भी हो गया हुआ है, अभी हम निकले हैं। अभी तक कोई क्लिक नहीं करवाई है तो यार, लड़कियों की फोटोज ही नहीं खत्म होती यार। पता क्या होता है, मैंने एक रील देखी और मैंने उस रील को इतना ज्यादा रिलेट किया ना अपने साथ, मुझे ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ दुनिया में मेरे लिए ही बनी है। एक लड़की होती है रेडी होती है, आई गॉट रेडी टुडे, ये इमोशन आप नहीं समझ सकते। हाँ हमें समझना भी नहीं है। मेरी सिचुएशन मेरे बहुत से भाई समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होगे ना फिर बहुत जल्दी समझ लोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही अगर नहीं समझोगे तो समझ नहीं। ये रीलों ने ना सीरियसली ना, मैंने उस दिन स्टोरी भी डाली थी, मेरे को बचपन से तैयार होकर फोटोज खींचने का शौक है। आज सारी एक्चुअली हम निकले हैं जी, मम्मी का बर्थडे निकला है 25th को, 25th नवंबर को मम्मी का बर्थडे था। एनिवर्सरी का भी लेने गए थे पर पापा चले गए हैं। हाँ, तो अभी पापा चले गए, 25th नवंबर को मम्मी का बर्थडे था, तो हम मम्मी के लिए केक लेने के लिए निकले हैं। और ये व्हाइट वाला कौन सा है? नहीं नहीं वो मीठा हो जाएगा, मीठा बहुत कम होता है। ये कितना प्यारा बच्चा देखो, अनायरा हमारे पास भी है, अमायरू छोटी और यहाँ पे ये किसी का केक है, साथ में ही मम्मी के बर्थडे का रख देना है और मम्मी को पता नहीं मम्मी के लिए सरप्राइज। चलो ये मम्मी को बना दे। याद करके आइए। खटकी लिया क्यों भंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे दा खटकी लिया मेवा आज मेरे पुत्र ने चुका सारी उम्र दा सेवा। ਕੀ ਖਟ ਲਿਆਂਦਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਟਾਈ ਪੰਗੜਾ। खटन गया सी, खटन गया मैं रूस, मजा ता आवे जे नचे साडा तरुण कंजूस। बुलाओ
हम यहाँ पे खेलने लगे हैं जी तंबोला स्पेशल। हम जाके तंबोला लेके आए क्योंकि हमें रात को तंबोला खेलनी थी। चलो जी दस रुपए की हर किसी का टिकट दिया है। हाँ जी रूल है जी, फर्स्ट फाइव को मिलेंगे 10 रुपए, पर लाइन को मिलेंगे 10 रुपए, फर्स्ट हाउस को 30 रुपए, सेकंड हाउस को 20 रुपए एंड थर्ड हाउस को 10 रुपए। गेम शुरू होने वाली है ठीक है जी। अपने फर्स्ट हाउस लेके आना है 1414। हमारी मामी चश्मा पहनना भूल गई। 6565 4747 एक नंबर नहीं आ रहा मेरा, खुद मैं बोल रहा हूँ। 63 2929 एक नंबर नहीं आया मेरा। 5454 आ गया, एक आ गया मेरा, एक आ गया। ले अभी मामा जी की फर्स्ट लाइन पूरी, 14 है, 32 है, 57 भी है, 60 भी है और हमारा 85 भी है। 10 रुपए मामा जी को, और हम दोनों ऐसे ही बैठे हैं। 11 2121 1 मेरा अंक हो गया। मैं बोले पहले उस तो पे सेकंड भी था निकल रहे था, सेकंड दो हाउस हो गए तो रोना। पहली गेम हम जीते नहीं, 20 अब सेकंड गेम खेली जा रही है, इसमें 20-20 की पर्ची। 60 60 79 79 13 13 5 7 57 1 3 13 5 7 57 1 8 8 very good। दो गेम खेली दोनों में फर्स्ट हाउस। थर्ड सरी का निकला थर्ड हाउस। अभी कह रहे अभी हम लगे सोने, रात के टाइम है 12:30। अभी पिछले व्लॉग में आपने बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि गोवा जाओ गोवा जाओ गोवा जाओ गोवा जाओ गोवा जाओ। हमारा भी बहुत ज़्यादा मन है जाने का, इसीलिए मैंने साथ में कैंसिलेशन प्लान लिया था कि उसके कैंसिल की ऑप्शन मैं ली थी इसी रीज़न के कारण, लेकिन हमने वो टिकट्स कैंसिल करवा दी हैं। न्यू ईयर पर ही आपको उस चीज़ का रीज़न बताऊँगा कि क्यों मैंने कैंसिल करवाई है। मुझे पता है कि आप अंडरस्टैंड करोगे आई, बिकॉज जिस हिसाब से मैं आप लोगों को समझता हूँ मुझे पता है आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड करोगे। तो ये था ये अपना आज का व्लॉग, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी खप लेके।